लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी के खिलाफ पूरा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में सड़कों पर आज उतरा। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार अडानी पर बोले। मोदी सरकार और अडानी की मिली भगत पर उन्होंने सवाल खड़े किए। कौन सी शक्ति है जो अडानी को बचा रही है, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और वो चाहते हैं कि मोदी जी इस पर जवाब दें। इसलिए तो पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, गौतम अडानी के खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और दूध का दूध पानी का पानी हो। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है हम वो आगे सुनाएंगे, लेकिन इस बीच मोदी सरकार भले ही अपने मुंह पर ताला लगाए हुए टेप लगा हुआ है, कुछ नहीं बोल रही है। शायद अडानी को बचाने की कोशिश हो, लेकिन जो गवर्निंग बॉडीज है, चाहे वो RBI हो या SEBI हो, वो अपना काम करने में लगी है। लेकिन इस काम में भी सिर्फ दिखावा ही दिखाई पड़ता है। दिखावा इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल हमने जिस महिला सांसद के बारे में आपको जानकारी दी थी कि गौतम अडानी की बर्बादी की पटकथा उन्होंने 2019 से ही लिखनी शुरू कर दी थी, और उनकी मेहनत के बाद हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की उससे गौतम अडानी धराशायी हो गए। वही महुआ मोइत्रा एक ट्वीट शेयर करती हैं जिसमें सेबी के द्वारा उठाए गए एक्शन पर वो सवाल खड़ी कर रही हैं। उन्होंने कहा ये तो ऑपरेशन को कवर अप करने के लिए सेबी फैसला ले रही है। दरअसल सेबी ने जो एक्शन लिया है और जितना वक्त उस एक्शन के लिए दिया गया है, सवाल उसी पर है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए कि शेयर मैनिपुलेशन गौतम अडानी ने किया, अपने अकाउंट में फ्रॉड किया, उनके जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कंपनियों में जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी असली पहचान छुपाई गई है। वैसे विदेशी इन्वेस्टर भी होंगे जो गौतम अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट तो किए हैं भारतीय बैंकों के जरिए, जो इनको मदद करते हैं, लेकिन उसमें से असलियत क्या है, उसके असली मालिक कौन है, स्वामित्व क्या है, यह डिटेल अभी तक किसी के पास नहीं है। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब गौतम अडानी ने भी नहीं दिया। सेबी ने अब इसी मामले में उन बैंकों को कहा है जो कस्टोडियन बैंक होते हैं कि आप मार्च से लेकर सितंबर तक के बीच में इन्वेस्टिगेशन करके सितंबर में जाकर हमें रिपोर्ट दें कि कौन कौन ऐसे विदेशी इन्वेस्टर्स हैं और उनको कौन मैनेज कर रहा है, उनके स्वामित्व की असली पहचान क्या है, जिनका धन यहां पर लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, कौन कौन है। दरअसल यह आरोप तो गौतम अडानी पर भी है कि उनके लिस्टेड कंपनियों में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टर की असली पहचान छुपाई गई है। महुआ मोइत्रा ने यही सवाल खड़े किए हैं। अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं महुआ मोइत्रा ने जो लिखा है। उन्होंने शेयर किया एक आर्टिकल है, इंडियन मार्केट रेगुलेटर सिक्स बेनिफिशियल ओनरशिप डिटेल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स सोर्सेज। इंडियन मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी है, जो भारतीय एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। उसने मांगा है डिटेल बैंकों से, ओनरशिप डिटेल शेयर करें उस बेनिफिशियल का जो फॉरेन इन्वेस्टर है, तो उनके बारे में अब जानकारी चाहिए। लेकिन वक्त देखिए कैसा दिया गया। द रेगुलेटर हैज आस्क्ड कस्टोडियन बैंक्स टू रीच आउट टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाय मार्च एंड शेयर द डिटेल्स बाय एंड ऑफ सितंबर। द सोर्स सेड स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ द रेगुलेटर हैज कस्टोडियन बैंक्स टू रीच आउट टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाय मार्च एंड शेयर द डिटेल्स बाय एंड ऑफ सितंबर। द सोर्स सेड स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी एज द मैटर इज कॉन्फिडेंशियल। मतलब इफ दे डू नॉट प्रोवाइड सच डिटेल्स द रेगुलेटर वुड डीम द फॉरेन फंड्स इनएलिजिबल, आस्क देम टू लिक्विडेट देयर होल्डिंग्स इन द इंडियन मार्केट बाय मार्च 2024। आपको बता दें कि 11,000 फॉरेन फंड्स जो है सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि सितंबर तक उन सब के ओनरशिप की जानकारी दें, किनका पैसा है, असली मालिक कौन है। अगर ये नहीं देते हैं तो उन्हें अपना फंड लिक्विडेट करके मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन समय कब तक का दिया गया, देखिए मार्च 2024 से लेकर सितंबर तक मामला जाएगा, इतना लंबा सब कुछ होगा, एक साल के आसपास का समय जाएगा। अभी से जोड़ लें सितंबर तक तो 8-9 महीना, फिर मार्च तक जाएंगे तो उतना वक्त मिलेगा। उस दौरान क्या सेबी के पास वो डिटेल आ जाएगी, या उस दौरान चाहे अडानी हो या अन्य अलग अलग फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, वो अपने सारे खेल को लिपापोती करके सिमट लेंगे। सवाल यही उठाया गया है महुआ मोइत्रा के द्वारा,
तो उन्होंने ट्वीट में इसको शेयर करते हुए लिखा, वो देखिए, वंडरफुल सेबी इंडिया गिविंग टाइम अंटिल सितंबर फॉर कवर अप ऑपरेशन सीबीसी इंडिया, व्हाई नो एक्शन बाय सेबी सिंस 2019। इन्होंने पूछा है कि जब मैं 2019 से इस मामले को उठा रही थी तब सेबी क्या कर रहा था, यही काम तो मैं भी कह रही थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो किसी किसी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं तो भारतीय बैंक उनसे असली जानकारी क्यों नहीं ले रही है, भाई कौन है, कौन पैसा लगा रहा है, स्वामित्व किसका है। गौतम अडानी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फ्रॉड किए हैं अपनी कंपनियों में, उसमें इन्वेस्टर कौन है, इसका जवाब महुआ मोइत्रा चाह रही है, लेकिन सेबी के एक्शन पर ही अब वो सवाल खड़े कर रही है। तो क्या सेबी भी जानबूझकर गौतम अडानी की को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में बीबीसी की एक रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बीबीसी ने क्या जानकारी दी। बीबीसी ने लिखा है, सीएनबीसी के मुताबिक सेबी ने बीते शुक्रवार उन भारतीय बैंकों को ईमेल किया है जो विदेशी निवेशकों के भारत में निवेश करने के लिए पंजीकरण कराने की सुविधाएं देते हैं। सेबी ने अपने ईमेल में बैंकों से कहा है कि उनकी डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी इकाइयां 30 सितंबर से पहले पहले अपने विदेशी निवेशकों से संपर्क करें। डीडीपी से क्या आशय है, इसको भी समझाने की कोशिश की गई है। बीबीसी ने लिखा है, डीडीसी से आशय बैंकों की उन इकाइयों से है जो भारत में विदेशी निवेशकों को भारत में धन निवेश करने में मदद करती हैं। इनका काम विदेशी निवेशकों का पंजीकरण आदि कराना होता है। सेबी ने बैंक से कहा है कि वो अपनी इन इकाइयों से कहें कि वे विदेशी निवेशकों से संपर्क करके निवेशित धन के स्वामियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं। सेबी ने कहा है कि अगर उनका आदेश 30 सितंबर तक नहीं माना जाता है तो फिर 2024 के मार्च तक उन्हें इस मार्केट से निकलना भी पड़ेगा, अपने हिस्सेदारियों को बेचना भी होगा। तो क्या यह बचने का रास्ता है, अगर जानकारी नहीं देंगे तो अपना सामान उमान बांध के निकल जाएंगे और अडानी पर जो फ्रॉड का आरोप लग रहा है वो सब भी खत्म हो जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट पर कितना भयंकर इसका असर पड़ेगा जब पूंजी निकलनी शुरू हो जाएगी, जरा सोचिएगा। इसी को लेकर मनी कंट्रोल ने सेबी की ओर से उठाए गए इस कदम को लेकर कहा है कि यह कदम उठाने का समय बेहद अहम है क्योंकि अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने वालों की असल पहचान छुपाई है, ये आरोप लगाया गया है। इसी वजह से सेबी की भूमिका यहां महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सेबी ने जो ड्यूरेशन दिया है, क्या बैंकों को यह डिटेल पता करने में इतना वक्त लग जाएगा, 11,000 इन्वेस्टर हैं फॉरेन, तो 11,000 इन्वेस्टर के डिटेल पता करने में अभी से लेकर सितंबर तक का वक्त लगेगा। ये तो एक मेल भेजेंगे फटाफट, 11,000 लोग एक दिन में मेल करेंगे, एक ही कंपनी तो नहीं होगी ना जिनको 11,000 मेल लिखने हैं, तो फिर इसका जवाब तो देना ही चाहिए, इतना वक्त क्यों, क्या खेल करने के लिए इतना वक्त दिया जा रहा है, ये सवाल पूछा गया है। अब सेबी की भूमिका को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, मनोज कुमार कह रहे हैं कि सीधे तौर पर सेबी कुछ नहीं कर सकता है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के पास तरीके होते हैं, वो शेयर पर अपना अपर या लोअर सर्किट लगवा सकते हैं, यानी एक तय प्रतिशत की गिरावट या चढ़ाव के बाद शेयर की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां पंजीकृत हैं सर्किट फिल्टर लगाकर उतार चढ़ाव को कुछ नियमित किया जा सकता है या शेयर की ट्रेडिंग रोककर उसे और परिवर्तनशील होने से रोका जा सकता है। शरद कोहली कहते हैं कि शेयर बाजार एक स्वतंत्र बाजार है जहां मांग और आपूर्ति कीमतें तय करती हैं, किसी शेयर के बढ़ने या गिरने पर मार्केट रेगुलेटर की कोई भूमिका नहीं रहती है, यह जानकारी है। सेबी की भूमिका पर अब सवाल इसलिए है कि सेबी इस चीज को बहुत तेजी से जांच कर सकती थी क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है और सरकार सेबी सरकार से बाहर तो है नहीं, कहने को स्वायत्त संस्था हो सकती है लेकिन सरकार जरूर इन सब पर अपना छाप छोड़े रखती है, इस वजह से कदम भी फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आज विपक्ष ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए। काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो, सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ
कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी की अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। तो सुना आपने, राहुल गांधी चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अडानी के पीछे कौन सी शक्तियां हैं उसका भी पता चल जाए। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो आरोप लगाया है कि सेबी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, अडानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इस बात में कितना दम है ये भी जरा जानना समझना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।